हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से मैं जा रही हूँ ब्राइडल मेहंदी लगाने के लिए, और अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी देर। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ पूरी तरह से। बाल बनाए हैं, टॉप पहन लिया, बाकी बाद में पहनूंगी जब जाएंगे। तो 3 बजे हम निकलेंगे घर से, तो उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी उनका, जिन्होंने मेरे को लेके जाना था। तो 3 तो मेरे को घर पे बच गए थे। उसके बाद मैं निकल गई थी मेहंदी लगाने के लिए। लेट इसलिए हुआ क्योंकि ब्राइड खुद 1 बजे घर पे पहुँची है, मतलब वो बाहर से कहीं आई है, और मैं किसी की रेफरेंस में जा रही थी। मतलब मेरे खुद का नहीं था जाने का, मेरे किसी की रेफरेंस में जा रही थी, तो उन्होंने भी थोड़ा लेट कर दिया। फिर मैं यहाँ पहुँची 3:30 बजे करीबन मैं पहुँच गई थी, और फिर आधे घंटे इधर उधर होके 4 बजे से मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। अब जब मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया ना, तो पहले तो वहाँ पे पिल्लो नहीं था, और उसके बाद वहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा था मेरे को। फिर उनकी जो मेरे को जो डिज़ाइन बताई गई थी कि ये वाली मेहंदी लगानी है, जो मैं प्रिपेयर था, मतलब मेरा माइंड, उन्होंने वो डिज़ाइन लगाने के लिए मना कर दिया। वो डिज़ाइन हाथ के थोड़ा नीचे से थी, और उन्होंने मेरे को कहा कि ऊपर से मेरे को मेहंदी लगानी है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोन जो उन्होंने ला रखी थी, वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी और हाथ दर्द हो रहा था उसमें कोन को लगाने में। फ्लॉलेस तो वो निकल ही नहीं रही थी, तो बड़ी दिक्कत आ गई थी मेरे को। फिर वहाँ पर लाइटनिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही थी। ना दुल्हन कम्फर्टेबल हो रही थी, ना मैं कम्फर्टेबल हो रही थी। मतलब मैंने बहुत एडजस्ट करा उस टाइम पे अपने आप को, मतलब मेहंदी लगाते वक्त। तो फिर जैसे तैसे मैंने एक हाथ की मेहंदी लगा ली थी, अब यहाँ पे मैं दूसरे हाथ पे मेहंदी लगा रही थी। बट मैं शुरू से ही जब मैं वहाँ पहुँची ना, वहाँ मतलब कंफर्ट था ही नहीं, मतलब वो मेरे को नहीं मिला। मैं शुरू से ही मतलब थोड़ा एडजस्ट ही कर रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ पे मेहंदी लगा रही थी। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं और ब्राइड ही थे वहाँ पे मेहंदी लगा रहे थे, और अभी कोई रिलेटिव नहीं आया था। फिर जैसे रिलेटिव आए, अब उन्हें पता नहीं होता ना कि कब से मेहंदी लग रही है, और उन्हें ये नहीं पता होता कि मेहंदी लगाने में क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है, ठीक है। तो आते ही मतलब कि अरे तुमने जो ज़्यादा ऊपर से मेहंदी लगा ली, जबकि ब्राइड ने मुझे ये कहा था कि ऊपर से मेहंदी लगा ना, फिर कि डिज़ाइन बारीक लगानी चाहिए थी, ऐसी नहीं होती। मतलब वो मेरे से 1500 की मेहंदी में मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 5000 वाली मेहंदी लगाऊं, ठीक है। और उन्हें खुद ये नहीं पता है कि उन्हें मेहंदी का एम नहीं पता है। तो मतलब वो मेरे को ज्ञान पीने लग गए, मतलब एक ने बोला। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले ब्राइड का मूड ख़राब हुआ, फिर मेरा मूड ख़राब हुआ, और उसके बाद 2-3 और आए, फिर वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए, और उसकी वजह से हम दोनों का मूड ख़राब हो गया, ठीक है। अब पहले मैं चुप थी, सह रही थी, मतलब फिर बोले जा रहे थे कुछ ना कुछ, मतलब इनडायरेक्टली मेरे को सुनाए जा रहे थे। अब ऐसे में पता क्या होता है कि ब्राइड, मतलब तुम एक साथ ना 2-3 लोगों का मूड ख़राब कर देते हो, ठीक है। किसी के लिए अच्छा दिन होता है, मेरा तो हमेशा ये प्रिफर करती हूँ कि मैं कभी भी, मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं आती ना, तो मैं मना कर देती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, और जब मेरे को आती है तब मैं उस चीज़ को करती हूँ। मैं किसी का दिन ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो ये हमेशा मेरा मतलब रहता है माइंड में। तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती थी, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 और बोलने लग गए मेरे को, फिर मेरा मूड ख़राब हो गया था। फिर पाँव की मेहंदी के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उस टाइम पर मैं चिढ़ गई और समझ गई कि मतलब अब नहीं बोलना। तो फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया था, फिर मैं गुस्से में ही मेहंदी लगा रहा। मेरे को ये हो रहा था कि बस अब मेहंदी लगानी है, निपटानी है, और घर से निकल, यहाँ से निकलना है, बस यही मेरे मन में था। तो मैंने मतलब उसके बाद मैंने मतलब मन से मेहंदी नहीं लगाई, मैं दिल से मेहंदी नहीं लगाई, बस ये था कि निपटाना था मुझे। अब मेहंदी लगाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, तब जब मैंने मेहंदी लगा ली, और उसके बाद किसी ने मेरे को पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। मतलब ये था कि मेहंदी लगा ली, अब निकलो तुम यहाँ से, ठीक है। अब मतलब सब मेरे को पूछा, अच्छा जा रही है, अच्छा जा रही है। अभी मतलब मैंने 10-11 लड़कियों पे मेहंदी लगा ली है, हर जगह से अच्छा बिहेवियर मिलता है। जब जाते हैं तो पूछते हैं लोग, शगुन देते हैं, चलो शगुन ना भी दे पर एक अच्छी तरीके से विदा करते हैं, छोड़ के आते हैं। यहाँ मेरे को, मैं ऊपर अकेले गई, मतलब रोड तक मैं अकेले गई, और जो मेरे को लेने आया था वो भी मेरे को यही पूछ रहा है, तेरे को कोई छोड़ने नहीं आया? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं आया। मेरे को बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया मेरे को, मतलब कि निकलो भाई, ऐसे हो रखा था कि लगा ली अब निकलो। फिर घर आते जब, और टाइम मैं बहुत खुश होती हूँ, आज मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। बस यही शेयर करने वाली थी। थैंक यू, बाय बाय।